हमारा चैनल फाइव एफ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन शौरमा, वो भी घर पे आपको बना कर दिखाएंगे चिकन शौरमा घर पे कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमने चिकन लिया है, इसमें चिकन, इसे चिकन को पहले हमने मैरिनेट करके रखा है। इसमें नमक, मिर्च और ना ब्लैक मिर्च डाली है, नमक डाला है, इसमें दही डाला है, नींबू डाला है और चिकन लिया है। इसे ना हमने एक घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा है। उसके बाद फिर इसे तवे पर रख दिया है गोश्त को, और फिर ढकना दे के 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया। जब चिकन गल गया फिर इसमें ऑयल डाला है, हमने चिकन में ऑयल डाल के फिर इसे अब इसकी भुनाई कर रहे हैं। जब चिकन अच्छी तरह भुन जाएगा फिर ये हमारी शौरबे की फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसके अंदर हमें शॉर्मे के अंदर क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, इसमें हमें टमाटर केचप, नेचुरल का टमाटर केचप लिया है हमने, टमाटर केचप लिया है एक पैकेट, और हमने मेन्यूज लिया है ये भी एक पैकेट लिया है। इसमें हमने सैलड लिया है, सलाद के लिए हमने लिया है बंद गोभी, इसे बारीक हमने चॉप कर लिया है, और क्या है इसमें खीरा लिया है उसे बारीक हमने चॉप कर लिया है। उसके बाद हमने ये लिया है बोस्टर वाली ब्रेड लिया है, ये बाजार से इजीली दस्तियाब है समोसे की ब्रेड। शॉर्मे वाली ब्रेड लिया है हमने, ये भी बाजार से इजी दस्तियाब है, वहाँ से हमने लिया है। चिकन की अच्छी तरह भुनाई करनी है, तो इसे अच्छी तरह बारीक छुरी के साथ बिल्कुल बारीक बारीक कर लेना है। हमारा चिकन तैयार हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे सारे चिकन को। हमारे शॉर्मे की फिलिंग तैयार हो गई है। आज हम आपको घर पे इजीली शॉर्मा तैयार करके दिखाएंगे, घर पे कैसे शॉर्मा तैयार किया जाता है। हमने एक अदर शॉर्मे वाली ब्रेड ली है, आप इसे इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल या घी।
हम शॉर्मे वाली ब्रेड को गर्म किया है, अच्छी तरह गर्म करना है शॉर्मे वाली ब्रेड को। मैं आपको शाम में तैयार करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसमें मेयोनीज लगाया है ब्रेड पे, थोड़ा सा मेयोनीज लगाना है ब्रेड पे। उसके बाद थोड़ा सा टमाटर केचप लगाना है। अब सैलेड लगाना है इसके ऊपर, बंद गोभी थोड़ी सी लगाएंगे। उसके बाद खीरा थोड़ा सा डालेंगे। अब चिकन थोड़ा सा डालेंगे। ये इसकी फिलिंग तैयार की जा रही है शॉर्मे की। अब फिर दोबारा मेयोनीज डालेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटर केचप डालेंगे। अब इसकी फोल्डिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शॉर्मा तैयार है, ज़बरदस्त लुक आई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।